अन्य शिक्षक वृंद, संस्था के सहयोगी कर्मचारी, मेरी स्कूल रूपी बगिया के महकते फूल रूपी बच्चे, आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबको सदैव स्वस्थ व खुश रखे व आपकी हर इच्छाएं मनोकामनाएं संपूर्ण करें। आज मैं आपके समक्ष आशीर्वाद के महत्व के बारे में कुछ चार पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूं। आशीर्वाद क्या होता है बताएगा बेटा कोई? आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है। लेकिन आज के युग में, आज का दौर ऐसा हो गया कि आशीर्वाद लेना जैसे बच्चे भूल ही गए और बड़े भी भूल गए देना। आज का चलन हो गया गुड मॉर्निंग, मम्मी भी बोलती है सुबह उठ के गुड मॉर्निंग टू बेटा, बच्चे भी बोलते हैं। आशीर्वाद मिल ही नहीं रहा किसी को, ना आशीर्वाद कोई प्राप्त कर रहा, न देने वाले रहे आशीर्वाद न लेने वाले। तो मैं यही कहूंगी बेटा, सुबह उठ के अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के, अपने गुरुओं के, कोई भी मिले, गुरु मिले, पेरेंट्स मिले, दादा दादी मिले, नाना नानी मिले, उनका चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद प्राप्त करो। इसीलिए आजकल ये कहते हैं कि उम्र कम हो गई। क्यों हो गई उम्र कम? इसीलिए हुई है, पहले आशीर्वाद प्राप्त करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, चिरंजीव भव बोलते थे, आयुष्मान भव बोलते थे, लेकिन नहीं मिल रहे। मिल रहे किसी को आशीर्वाद? कौन करता है सुबह उठ के अपने गुरुओं को? बताएगा कोई खड़े होके अपने पेरेंट्स को? खड़े होना जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं अभी। कोई नहीं करता? बैठ जाओ बेटा, बहुत कम बच्चे हैं। देखो, आशीर्वाद प्राप्त नहीं करोगे तो कौन नहीं चाहता कि हमारी उम्र लंबी हो? सभी चाहते हैं ना। आयु का तो इतना महत्व है। एक संवाद है भगवत गीता में, जब भीष्म पितामह शाम के समय पूजा पाठ में बैठे थे, आराधना में बैठे थे, उन्होंने दुर्योधन की पत्नी थी जो, उनको बोला था कि आप मेरे पास आना और सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करना। लेकिन श्री कृष्ण भगवान स्टार्टिंग से ही सुना भाई छलिया थे, किसको लेके चले गए थे? द्रौपदी को। उसे पहले द्रौपदी को लेकर चले गए थे, और जो आशीर्वाद दुर्योधन की पत्नी को मिलना था वो किसको मिल गया था? द्रौपदी को मिल गया था, अखंड सौभाग्यवती भव है। तो लेकिन नहीं मरे वो पांचों पांडव, जीवित रहे ना युद्ध में भी। उनको भीष्म ने कसम खा रखी थी, लेकिन फिर भी उनको मार नहीं सके, उनका वध नहीं कर सके, इतनी शक्ति होती है आशीर्वाद में। ऐसे ही आपने मार्कंडेय जी का संवाद सुना होगा, जो मार्कंडेय ऋषि हुए हैं, अल्प आयु थी उनकी, उनको वरदान से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। मार्कंडेय ऋषि को वरदान प्राप्त किया था उन्होंने कि आपको पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन पुत्र भी अल्पायु का। लेकिन एक ब्राह्मण के पास गए थे और एक ब्राह्मण ने उनको वरदान दिया था कि यदि तुम गंगा घाट पर जाओगे, जितने भी ऋषि मुनि आए, साधु संत आए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनको दंडवत प्रणाम करना, तो लंबी आयु होगी। एक वर्ष तक जो मार्कंडेय ऋषि थे अपने पुत्र को लेकर गंगा किनारे बैठे रहे थे, और उनसे जो भी ऋषि आते, मुनि आते, गुरु आते, सभी से दंडवत प्रणाम करवाते, उनको यही आशीर्वाद देते, सभी चिरंजीव भव है, लंबी आयु हो। सभी ने वरदान प्राप्त किया, सभी से वरदान प्राप्त किया। एक बार सप्त ऋषि वहां से गुजर रहे थे, तो सप्त ऋषि ने भी उनको वरदान किया, तो उनके पिता ने कहा कि आंखों में पानी आ गया, दुखी हो गए कि हे सप्त ऋषि महाराज, आपने हमारे पुत्र को वरदान तो दे दिया, लेकिन अभी तो इसकी सिर्फ 3 दिन ही की आयु बची हुई है, इनको चिरंजीव भाव का कैसे आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा सप्त ऋषि ने, क्या अच्छा 3 ही दिन बचे हैं? हाँ 3 ही दिन बचे हैं, तो ये हमसे क्या हो गया, हमने तो पंगा ले लिया भाई। वो किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास गए। चलो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वही हमारा सॉल्यूशन करेंगे कुछ ना कुछ। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को बोला, जाकर बोल दिया कि जाओ ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम करो जैसे हमें किया था। तो जो मार्कंडेय ऋषि जी थे वहां जाकर दंडवत प्रणाम किया, तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया चिरंजीव भव है। तो फिर मुस्कुराए सप्त ऋषि, तो ब्रह्मा जी ने कारण पूछा कि मुस्कुराने का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा मुस्कुराने का कारण ये है कि अभी इनके 2 ही दिन शेष बचे हैं, और आपने इनको चिरंजीव भव का आशीर्वाद दे दिया, तो उन्होंने फिर कहा कि तुमने मेरे सर पे क्या डाल दिया,
वो उन्होंने कहा कि जब अगर बाप झूठ बोलेगा तो बच्चे तो फिर झूठे होंगे, आपने ही बोल दिया ऐसा, तो फिर टाल नहीं सकते ना उस आशीर्वाद को। तो उन्होंने कहा फिर तो अब शंकर त्रिपुरारी के पास ही जाना पड़ेगा हमें। भाल मेट सके त्रिपुरारी, ये बोला गया है कि अगर भाग्य में जो लिखा है उसको तो सिर्फ कौन मेट सकता है, शंकर भगवान ही, उन्हीं के पास चलते हैं। शंकर भगवान के पास जाते हैं, शंकर भगवान को बोलते हैं और कहते हैं कि जैसे हमें प्रणाम किया, मार्कंडेय ऋषि को बोला 7 बार 5 बार प्रणाम करना। मार्कंडेय जी ने 7 बार 5 बार दंडवत प्रणाम करते रहे, आंखों से झरझर पानी बहने लगा। तो शंकर भगवान ने भी उनको चिरंजीव भव का आशीर्वाद दिया और फिर सारी कथा बताई। तो आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है बेटा, अगर आप बड़ों से, गुरु से, माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त करते हो तो आपकी लंबी उम्र अवश्य होगी। अब इतने एक्सीडेंट होते हैं रोज के, हार्ट अटैक हो गए, सबकी उम्र कम हो रही है, इसीलिए होती जा रही है क्योंकि आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता उनको। पहले प्रणाम करते थे, चाहे पढ़ी लिखी हो, मम्मी है, दादी है, बुआ है, अगर आप उनको दंडवत प्रणाम करोगे, आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तो वो भी अपनी संस्कृति में ही आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लेकिन अब जब आशीर्वाद ही नहीं प्राप्त करोगे, कैसे लंबी उम्र होगी। तो ऐसा चाहे बीमारी है, चाहे कुछ भी है आपके अंदर कमी, तो उसको तो भगवान ही टाल देते हैं। तो माता पिता तो कोई ऐसा चाहेगा ही नहीं कि उसका बुरा हो बच्चे का। तो आशीर्वाद प्राप्त किया करो। आज से ये नए वर्ष से आप ये शपथ लेंगे कि आज से हम बड़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, गुरु कहीं पर मिले उनका चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। करोगे ये सभी? Yes! सभी? Yes! चलो आज एक नव वर्ष पर एक सॉन्ग भी प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। Thank you.